माँ तो माँ होती है रुला देने वाली एक हिंदी कहानी। दोस्तों आपका मेरे चैनल में स्वागत है। हेलो माँ, मैं राजू बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटे। ये बता, तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक है माँ, आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। क्या? हाँ माँ, अब हम सब साथ ही रहेंगे। नीतू कह रही थी माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। हेलो सुन रही हो माँ? हाँ हाँ बेटे, बूढ़ी आंखों से खुशी की अश्रुधारा बह निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजार चुकी सावित्री ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी सावित्री ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। राजू अकेला आया था। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। मकान? माँ ने पूछा। हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। आनन फानन और ओने पोने दाम में राजू ने मकान बेच दिया। सावित्री देवी ने वो जरूरी सामान समेटा जिससे उनको बहुत ज्यादा लगाव था। राजू टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर राजू ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीजा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटे। सावित्री देवी वहीं पास की बेंच पर बैठ गई। काफी समय बीत चुका था। बाहर बैठी सावित्री देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें राजू गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाए देखने लगती। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर गहमा गहमी कम हो चुकी थी। माँ जी किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने वृद्धा से पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है, सावित्री देवी ने घबराकर कहा। लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है, अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। राजू, सावित्री के चेहरे पे चिंता की लकीरें उभर आई। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी आपका बेटा राजू तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका। क्या? वृद्धा की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुंची जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा, माँ जी क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाए, अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई, अकेली कब तक रह पाएंगी? हाँ चली तो जाऊं, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहाँ फिर उसका ख्याल कौन रखेगा? आंख से आंसू आने लगे गए। दोस्तों विनती, माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। शिक्षा, माँ तो माँ होती है।